नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में भीषण गर्मी में शीतल जल के लिए भटक रहे लोग। नगर पालिका द्वारा संचालित 6 वाटर कूलर में से 4 की कूलिंग मशीन 1 माह से है बंद। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुर्ना से है। नगर पालिका परिषद में पिछली पालीवाल परिषद ने जनता के लाखों रुपयों की राशि खर्च कर नगर के 6 स्थान पर गुजरी चौक, जय स्तंभ चौक, राजीव गांधी मार्केट, बस स्टैंड, अंबिका चौक, विवेकानंद चौक में जनता की सुविधा हेतु लाखों का व्यय कर वाटर कूलर मशीन लगाई गई थी। परंतु पालीवाल की परिषद हटते ही नगर पालिका द्वारा संचालित वाटर कूलर मशीन शहर के हृदय स्थल गुजरी चौक, जय स्तंभ चौक, बस स्टैंड की वाटर कूलिंग मशीन कई दिनों से बंद पड़ी है। इस भीषण गर्मी के दिनों में क्षेत्र की आम जनता ठंडे पानी के भटक रहे हैं। शहर में वाटर कूलर बंद होने से ठंडा पानी देने के बजाय गर्म पानी देने लगे हैं। नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता व लापरवाही के चलते वाटर कूलर कई दिनों से बंद पड़ा है। वही लोग गर्मी के दिनों में शीतल पेयजल की उम्मीद लिए वाटर कूलर के पास तो पहुंचते हैं, परंतु वाटर कूलिंग बंद होने से उसमें गर्म पानी निकल रहा है। जनता मजबूरी में गर्म पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वही नगर पालिका परिषद द्वारा जनता के लाखों रुपए खर्च कर नगर में 6 स्थानों पर वाटर कूलर लगाए हैं, परंतु नपा के जल विभागीय स्तर पर इन वाटर कूलर की देखरेख के अभाव में वाटर कूलिंग सिस्टम बंद पड़ा है, जिसको लेकर गुजरी चौक, बस स्टैंड, जय स्तंभ चौक दुकानदारों द्वारा जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से भी इस समस्या के निवारण हेतु बात रखी, परंतु जनता को आ रही समस्या पर केवल आश्वासन मिला पर आज तक कोई निराकर नहीं हुआ। वाटर कूलर की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जबकि भीड़ भाड़ वाली बस स्टैंड, जय स्तंभ, गुजरी चौक नगर का हृदय स्थल है, जहां राम मंदिर, बड़ी मस्जिद, वाचनालय, गुजरी बजार, आधार कार्ड केंद्र के साथ 16 वार्डों से घिरा क्षेत्र है, जहां दिन रात असंख्य लोगों का जमावड़ा बना रहता है। नगर पालिका द्वारा संचालित वाटर कूलर ऐसी चिलचिलाती धूप में जनता को सुविधा प्रदान नहीं कर पाना, कहीं न कहीं नगर पालिका परिषद की लापरवाही से जनता को मूलभूत सुविधा से वंचित रखने का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। पांडुर्ना संवाददाता मनोज गुद्धे की रिपोर्ट। कुदने के बाद जो फिल्टर लगा हुआ है अभी तक 2-4 महीने से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर शासन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। जनता को पानी पीने के लिए तकलीफ हो रही है। 1 महीने से ये फिल्टर बंद है, इसमें पानी ठंडा नहीं हो रहा है। यहाँ के कर्मचारियों को 3-4 लोगों को हम बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और काफ़ी पब्लिक यहाँ परेशान है पानी की वजह से। शुक्रवार बाजार जयसन चौक पानी फिल्टर करीबन 1 महीने से बंद है और यहाँ पर बाहर की पब्लिक शुक्रवार बाजार की वजह से बाहर की पब्लिक बहुत आना जाना करती है, जिससे वो ठंडे पानी की उनको दिक्कत होती है और काफ़ी परेशानी चल रही है। ये जयस्तम चौक पांडुर्ना, ये फिल्टर यहाँ का 10-12 दिन से बंद है, 1 महीना होते आ रहा करीबन, और काफ़ी पब्लिक यहाँ पर परेशान होती जा रही है। पानी बहुत पब्लिक परेशान है, पानी की बहुत माना मारी है। तो आपने किसी शिकायत की जा रही है? लेकिन उसका कोई हुआ नहीं है। तो और ठंडा पानी नहीं आ रहा, बाहर के लोग जो आते हैं ठेड़े पानी को पानी नहीं पी पा रहे, ऐसे जा रहे हैं बिना पानी के। तो आपने उसकी शिकायत नगर पालिका में की? नगर पालिका से नहीं की, हमने 2 बार फोन लगाया है। हाँ, जैसे पार्षद को, पार्षद बोले हाँ, बोले लगा देंगे, कर देंगे, बोले किए नहीं उन्होंने अभी। कितने दिन हो गए इसको? इसको हो गए कम से कम 5-6 दिन। 6 दिन तो नगर पालिका का काम किया, लेकिन काम ही नहीं है उसका, ठंडा ही नहीं आ रहा पानी। आप क्या चाहते हो? पानी ठंडा रहे और पानी रहे उसमें आता रहे। काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, वहाँ तो वहाँ चालू नहीं है, नगर पालिका ने कुछ किया नहीं, बट फिर भी ठंडा पानी नहीं आ रहा है, गर्म ही पानी आ रहा है। तो काफ़ी दिक्कतें चल रही है, बहुत शौक चल रहे हैं, कम से कम 1-1.5 महीना होते आ रहा, नहीं चालू हो रहा समथिंग, फिर भी वो सबसे तो चालू करना चाहिए, ये नगर पालिका करना चाहिए। बहुत ठंडा पानी नहीं आ रहा, ना कुछ नहीं आ रहा, देखो पानी में भी सही नहीं आ रहा, आप देख सकते हो, देखो पानी कुछ भी सही नहीं आ रहा, एकदम बहुत गर्म आ रहा है। तो मेरी अपील ये है जनता से, मतलब नगर पालिका से ये है क्या है नहीं कि इसको चालू करना चाहिए मशीन, ठंडा पानी आ रहा है। फिल्टर कितने दिनों से बंद है? पूरा धोखा लगा, 1 महीने के करीबन हो गया। आपने इसकी शिकायत की थी? की थी, वो उमेश जी उड़कुड़े बाबा जी मेम्बर था और जल संसाधन मंत्री प्रदीप गौ दुनकर, इनसे भी की, अध्यक्ष सर से भी की, मगर आए कल वो सुधराए, मगर वो मशीन खराब हो गई है और बोले वो खराब हो गई, बोले तो हो रहा नहीं, बोले गर्म पानी उनने फिल्टर बदला दिए
मगर वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, गर्म ही पानी है। आप क्या चाहते हो? ठंडा पानी चाहिए। ये देखो धूप में हम बैठे हैं यहाँ पे गुजरी चौक में, हमको पूरे धूप आंग में लेना पड़ता और पानी गर्म पीने को, तो ठंडे पानी की व्यवस्था कर दो आप तो, मतलब